नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस में वेबसाइट के लिए अप्रूवल कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी पूरी वीडियो देख मारी है, यानी कि यूट्यूब पर जितनी वीडियो मैंने सभी की सभी वीडियो देखी थी, क्योंकि मेरी वेबसाइट पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। पर दोस्तों मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मात्र 3 घंटे में मिल गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 3 तरीके बताने वाला हूँ। उन 3 तरीकों को आप फॉलो करोगे तो आपकी वेबसाइट पर 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर किस प्रकार से अप्रूवल मिला। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल है वो कुछ और कैटेगरी में चलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर रिचार्ज की वीडियो बनाता हूँ या फिर मोबाइल से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आगे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला कि वेबसाइट कैसे बनाएं या फिर एडसेंस के बारे में। हाँ, हो सकता है अगर मेरे को कुछ ऐसा लगा बहुत बढ़िया है या फिर ये यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा, तो उसके बारे में शायद वीडियो बना दूँ। पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आप वीडियो देखिए और मेरे बताए गए स्टेप फॉलो करिए, आप अपने गूगल एडसेंस में आसानी से अप्रूवल ले पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैं मेरी मेल दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 मेल है, एक तो है मेरे पास रिजेक्टेड की मेल, ठीक है दोस्तों, और दूसरी मेरे पास है देखिए गूगल एडसेंस की जो गुड न्यूज़ की मेल है, यानी कि मेरा अप्रूवल मिल चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिजेक्टेड वाली दिखाता हूँ। देखिए आप सोचते होंगे यहाँ पर मैंने कोई स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो मैं यहाँ पर देखिए ये रिफ्रेश बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारी रिफ्रेश हो गई है। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देखिए पब्लिशर आईडी देख सकते हैं, इसके बाद ये डेट देखिए दोस्तों। ठीक है, ये डेट है 5 सितंबर 2023। ठीक है दोस्तों, 3:27, यानी कि गूगल एडसेंस ने मेरी वेबसाइट को रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी वेबसाइट पर ऐड नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है उसको वायलेट करती है, और आपकी वेबसाइट पर लो क्वालिटी का कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, ये 2 ही एरर आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैंने 5 तारीख को इस मेल को नहीं देखा, मैंने देखा इसको 6 तारीख को। 6 तारीख को मैंने देखा इसको, दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद की बात है दोस्तों। तो मैंने वेबसाइट पर आधा घंटा काम किया, ठीक है, काम करने के बाद मैंने वेबसाइट को सबमिट कर दिया 3:30-4 बजे के आसपास। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने 4 बजे सबमिट किया, देखिए 6 सितंबर 2023 को ये 7:47 पर मेरे को मेल आती है कि आपकी वेबसाइट को हमने अप्रूव कर दिया है। आप यहाँ पर ये देखिए गुड न्यूज़ लिखा हुआ है, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने शायद कोई स्क्रीनशॉट लगाया होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा गूगल एडसेंस जो अकाउंट है या मेरी वेबसाइट है वो मोनेटाइज हो गई। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके लिए सिर्फ 3 तरीके फॉलो करने हैं, 3 सेटिंग को आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैं आपको बताऊं ठीक आपको वैसा करना है। अगर आप मेरे बताए गए तरीकों को सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैं कोई ज़्यादा भसड़ नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो मेन बातें ही बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है 3 बातें, यहाँ पर आपको 3 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों ये कोई रूल नहीं है, जो पहले वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको 3 सेटिंग या 3 तरीका बताने वाला हूँ, उसके अंदर ये पहला कोई तरीका शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सभी के लिए सेम है कि आपको गूगल एडसेंस की पॉलिसी को फॉलो करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, गूगल एडसेंस की पॉलिसी को जाकर आप पढ़ें, उसके अंदर समझें कि आखिर गूगल चाहता क्या है, और हमें गूगल को हमारी वेबसाइट सबमिट करने से पहले क्या क्या हमारी वेबसाइट पर हमें ध्यान रखना है। आपने दुनिया भर की वीडियो देख रखी होगी दोस्तों, आपको पता ही होगा सब कुछ, पर मैं आपको यहाँ पर 3 मेन टॉपिक बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आपको जब अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ पर सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको ऑफ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या मिलेगी मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा के बता दूंगा। देखिए जैसे ही आप अपने वेबसाइट को WP Admin को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर 3रे नंबर पर जो रीडिंग है इस पर क्लिक करके देखिए नीचे ये बॉक्स है ना दोस्तों, इस पर आपको टिक नहीं होना चाहिए। इसका मेन कारण क्या है देखिए दोस्तों, अगर मान के चलो यहाँ पर आपके नज़दीक में कोई प्लाट खाली पड़ा है और सुबह रातों रात उसके अंदर बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाए, तो आपको अचंभा ही होगा ना भाई, यार क्या पता क्या घपलाबाजी है, या फिर ये प्लाट चोरी का है, या फिर कोई और लफड़ा है भाई, रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी। आपने वैसे वैसे सुना ही होगा ना, जैसे मान के चलो कई बार कोई रोला वोला हो जाता है कोई प्लाट व्लाट का, तो वहाँ पर वो लोग कांध निकाल दो रात रात में, जैसे दीवार निकाल दो भाई, ये अपने कब्जा हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, गूगल भी सोसाइटी की तरह ही काम करता है, आपको उसके ऊपर टिक करके जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है उसको ऑन ही रखना है, यानी कि गूगल को पता लगना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का कंटेक्शन जो बोलते हैं यानी कि बनाई कैसे गई, स्ट्रक्चर कैसे बना, यानी कि सबसे पहले डोमेन खरीदा, उसके बाद आपने उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वो आपको वहाँ पर क्योंकि वो गूगल क्रॉल करता रहता है, ठीक है, आपने फिर उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया, डिस्क्लेमर बनाया, ठीक है, अबाउट अस बनाया, कॉन्टैक्ट अस बनाया, ये चीज़ें गूगल को पता होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट कब बनना शुरू हुई थी। सॉरी दोस्तों, मेरे को इंग्लिश थोड़ी वीक आती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है, ऑन रख के ही काम करना है। हो सकता है आपने वहाँ पर जब स्टार्टिंग में साइट बनाई हो तो इसको ऑफ कर दिया हो, क्योंकि जैसे हम जो काम करेंगे वो एक बार गूगल पर नहीं दिखाना चाहते, जैसे हमारी वेबसाइट रेडी होगी हम उसको सर्च इंजन को जो विजिबिलिटी उसको ऑन कर देंगे और हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको ये गलती नहीं करनी है, गूगल को पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर कब रोड़ी गिरी, कब ईंटें आई, कब आपकी सीमेंट आई, कब आपके मिस्त्री लगे, कब आपकी बिल्डिंग धीरे 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 बनी, उसके बाद आपकी बिल्डिंग की पूरी लिपा पुताई हुई फिर तैयार हुई, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सर्च इंजन विजिबिलिटी को कभी बंद नहीं करना जब आप अपनी वेबसाइट खड़ी कर रहे हो। हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ना वो ऐसा करते हैं, वो क्योंकि उन्हें सारे नियम और सारे रूल पता होते हैं, वो डोमेन लेके खरीद के छोड़ देते हैं, वो पड़ा रहता है 10-15 दिन, महीने 2 महीने पड़ा रहता है, उसके बाद वो वेबसाइट एक दिन में तैयार करके खड़ी कर देते हैं। तो उनको पता होता है क्योंकि गूगल उस डोमेन को बार बार क्रॉल कर रहा है, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या फिर 1.5 महीना हो गया, तो उसको पता है भाई ये वेबसाइट अभी रनिंग में है, या फिर वो कोई पेज लगाकर छोड़ देते हैं जो बड़े ब्लॉगर हैं, क्योंकि वो उनको काम करने का तरीका पता है, उनको हर प्रकार की नॉलेज है, और जो हम जैसे लोग हैं उनको नॉलेज नहीं है। पर मैं आपको यहाँ पर ये तीनों तरीके बताने वाला हूँ, आपको इनको पूरे ध्यानपूर्वक सुनना है और अप्लाई करना, आपकी वेबसाइट पर 100% अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है देखिए दोस्तों, क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, आपको इस बात पर भी बहुत ध्यान रखना है, यानी कि आप चाहे कितना मर्जी अपने आप खुद से कंटेंट लिख के डेली का पब्लिश किए जा रहे हो, खुद का है, कहीं से नहीं उठाया, कहीं कॉपीराइट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आप डेली वहाँ पे 1-2 पोस्ट मार रहे हो, 3 मार रहे हो, 4 मार रहे हो, 10 दिनों में आपने 40 पोस्ट मार दी, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको देखिए पहले तो अपनी वेबसाइट को इस प्रकार से तैयार करो कि वो धीरे 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 तैयार हुई है। मान के चलो एक दिन में आपने डोमेन से होस्टिंग को कनेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, फिर अपने पेज बनाए, फिर वेबसाइट में थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया, इसके अंदर आपने 1 हफ्ता लगा दिया। 1 हफ्ते के बाद अब आती है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट की बारी। क्वालिटी कंटेंट किसे बोलते हैं, देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो 1 पोस्ट लिखने में 8 से 10 घंटे लगा देते हैं। हो सकता है कई ब्लॉगर ऐसे भी हैं जो पूरी रिसर्च करके पोस्ट लिखते हैं ना, वो 2 दिन लगा देते हैं। अगर उनको देखो, उनकी मान के चलो गूगल के अंदर उनकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है, उनको गूगल को पता है भाई ये बहुत अच्छे आर्टिकल देता है, यानी कि पूरी रिसर्च करके देता है, तो वो बंदा 1 आर्टिकल लिखने में 2 दिन लगा रहा है, 10 घंटे लगा रहा है, और आप 1 दिन में 3 आर्टिकल लिख रहे हो, तो गूगल क्या समझेगा, गूगल समझेगा आप AI के द्वारा बना रहे हो या फिर बोट से लिखवा रहे हो या जो भी एनीवे, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है कि 1 हफ्ते के अंदर 3 आर्टिकल पोस्ट हो आपके, और वो भी टाइम ऐसा हो कि इक्वल हो, मान के चलो 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको हर 2 दिन बाद 1 पोस्ट को पब्लिश करना है, ठीक है, और वो भी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करके अच्छे से लिख के सॉरी दोस्तों, ठीक है। पर आपको ये बात का ध्यान रखना है, यानी कि आपको पोस्ट पब्लिश करनी है हर 2 दिन के बाद, ठीक है दोस्तों, और आपकी वेबसाइट पर कम से कम 20 पोस्ट होनी चाहिए। अब आप देख लो, 20 पोस्ट आप अकेली सीधी डाल के 1 या 2 दिन में अप्रूवल भेजोगे तो आपकी वेबसाइट कभी अप्रूव नहीं होने वाली। आपको करना क्या है, आपको हर 2 दिन के बाद 1 पोस्ट को लिखना है, 2 दिन के बाद पब्लिश करना है, लिखना तो आप चाहे जितना मर्जी लिख लो, पर 2 दिन के बाद पब्लिश करना है और 20 आर्टिकल को पब्लिश करना है। उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, उससे पहले गूगल एडसेंस की तरफ देखना नहीं है, ठीक है। आपका 110% कहता हूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा आता है दोस्तों, ये भी क्वालिटी कंटेंट के अंदर ही आ जाता है, अगर आप समझो तो, फिर भी मैंने इसको आपके लिए अलग से बना दिया,
ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आप दो दिन के बाद एक पोस्ट को पब्लिश कर रहे हो तो आपने 20 पोस्ट लिखी, कितने दिन हो गए, 40 दिन हो गए। 10 दिन में आपने अपनी वेबसाइट को क्या किया, रेडी किया, 50-60 दिन हो गए, यानी कि 2 महीने हो गए। तो ये यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है कि आपका जो डोमेन है वो खरीदने के बाद कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजो। अगर इसके अलावा आप पहले भेजोगे तो भेजे हो भाई, भेजो, जितना मर्जी भेजो, आपका जी करे उतना भेजो, पर वहाँ से अप्रूवल का मेल नहीं आने वाला। आपको इन 3 चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों, और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रकार की कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि मैंने गूगल एडसेंस के बारे में बहुत वीडियो देखी, मैं आपको बता रहा हूँ सच में, मैंने बहुत वीडियो देखी, पर मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, और मैंने सारा कुछ अप्लाई किया पर मेरी वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आप सोचना चाहो मेरे पास ये वेबसाइट है या फिर मैंने पहली बार अप्रूवल लिया है, आप सोच सकते हो, पर जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 100% आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, होस्ट का अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दोबारा फिर पता लगी तो मैं आपके लिए इस चैनल पर ज़रूर पब्लिश कर दूँगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।